हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के EGR के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा EGR कैसे काम करता है और ट्रैक्टर से उसको कैसे निकाला जाता है और EGR के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ट्रैक्टर के लिए, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले मैं आपको EGR कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। और ट्रैक्टर में जो EGR है वो आप देख सकते हो यहाँ पर लगा होता है। आजकल सभी ट्रैक्टर में ये 50 HP के ऊपर जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें सभी ये सब ट्रैक्टर में ये EGR आ जाता है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका जो काम होता है वो होता है जो हानिकारक गैस होते हैं जो डीजल जलने के बाद बचते हैं और एग्जॉस्ट से बाहर निकलते हैं, उस गैस को फिर से रिसर्कुलेट करना इंजन में। तो ये जैसे यहाँ से RPM बढ़ते हैं तो इसका भी वो वॉल खुल जाता है अंदर का EGR का। तो वैसे जैसा वॉल खुलेगा उस हिसाब से ये गैस जो है अंदर तक भेज देता है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये इनलेट है इसका, पाइप यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद ये जो है ये आप देख सकते हो इस पाइप से EGR के अंदर इंजन के अंदर EGR गैस भेजता है। और ये जो पाइप है ये एयर इनटेक का है, फ्रेश एयर का, तो यहाँ से ये अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वही गैस जो है जो पहले जली नहीं थी वो जल जाती है और पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो जाता है। इसका मेन पर्पज जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है। जो हानिकारक गैस है वो नेचर में डायरेक्टली रिलीज नहीं होती, वो पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन इसका जो है इंजन के ऊपर बुरी तरह से असर पड़ता है। जो कार्बन जो है इस EGR में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और ये चोक भी हो जाता है। और इसके अंदर से ही, अब ये आपको मैं खोल के नहीं अभी दिखा सकता, इसके अंदर भी बहुत कार्बन जमा हो जाता है। तो डायरेक्टली ये इंजन के हेड में जाता है और पिस्टन के ऊपर भी इसकी लेयर तैयार हो जाती है। तो इंजन की लाइफ जो है डायरेक्टली घट जाती है। ज़्यादा दिन तक इंजन काम, मतलब जल्द ही उसका काम करना पड़ेगा हेड का और इंजन का। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज ऐसा है, ट्रैक्टर जो है EGR की वजह से दब के चलता है, क्योंकि फ्रेश एयर के हिसाब से ये भी मतलब जो धुआँ है वो अंदर जाता है फ्रेश एयर के साथ। तो वो ट्रैक्टर डीजल जो है नया वो अच्छी तरह से बर्न नहीं होता और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस घट जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ EGR ट्रैक्टर से कैसे निकलना है। अब अभी फिलहाल मैंने सिर्फ बंद किया है, निकाला नहीं है उसको बाजू में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है एग्जॉस्ट, यहाँ से इसका इनटेक है EGR का। तो यहाँ पर ये मैंने एक प्लेट लगा दी है बीच में, जिससे जो धुआं अंदर जाता है वो ब्लॉक हो जाता है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ईसीयू होता है ये EGR का, तो उसको मैंने डिस्कनेक्ट किया कर दिया है। कपलर जो होता है उसका डिस्कनेक्ट कर दिया है इसे। तो अब EGR जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है काम करना उसका। चाहे तो हम ये जो पूरा सिस्टम है वो भी बाजू में निकाल सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्लेट लगानी पड़ेगी इस शेप के, और वहाँ पर दो प्लेट लगा करके ये पूरा बाजू में निकल सकता है। तो ये मैंने इसलिए नहीं निकाला, मुझे देखना है अब माइलेज के ऊपर कितना डिफरेंस आता है माइलेज में। तो अगले वीडियो में हम इसका माइलेज टेस्ट भी करके देखेंगे। अभी जो है EGR डिस्कनेक्ट करने के बाद ट्रैक्टर का इंजन जो है वो अभी मतलब खुला चल रहा है पहले से। तो अभी से मुझे इसका डिफरेंस पता चलने लग गया है। तो और एक बार लोड पर और माइलेज टेस्ट करके देखेंगे, लोड पर चला कर कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है वो भी देखेंगे। तो बाद में और अच्छे तरीके से पता चलेगा इसका फ़ायदा है या नुकसान। तो नुकसान तो ज़्यादातर इंजन को है, और अगर आप पोल्यूशन नहीं करना चाहते तो आप रख सकते हो, लेकिन ये इंजन को डैमेज करता है और परफॉर्मेंस भी घट जाती है ट्रैक्टर की।
साथ ही साथ माइलेज भी इसका कम हो जाता है, तो हम माइलेज टेस्ट इसलिए करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर भी मैंने कई वीडियोस देखी, सभी भाइयों का यही कहना है ईजार निकालने के बाद जो है ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो इंजन में एयर जाएगी वो सारी यहाँ से फ्रेश एयर ही जाएगी, तो डीजल जो है पूरी तरह से अच्छी तरीके से मतलब जल जाएगा, तो इसलिए ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो अब टेम्प्ररी मैंने ये ईजार तो बंद कर दिया है, थोड़े दिन में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस निकलता है, माइलेज क्या निकलती है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में मैं आपको एक ट्रैक्टर का जो है स्वराज 963 का ईजार निकालने के बाद माइलेज कैसा आता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।